है। हमारे आपको उत्तर नजर आ रहे प्रदेश होंगे में डॉक्टर मोहन आने वाले यादव, प्रत्येक मंत्री विश्वास व्यक्ति सारंग, का मंत्री कैलाश 24 घंटा विजयवर्गीय, निरीक्षण करें। मंत्री कृष्णा गौर, ये तमाम लोग इस वक्त इस आयोजन में मौजूद हैं। तो भोपाल में दो रेल परियोजनाओं का अनावरण, आने इसके वाले अलावा प्रत्येक इंदौर व्यक्ति को को भी जल मल स्वच्छता प्रबंधन के लिए के सम्मान तहत जो मिलना पुरस्कार है वो का इसी कार्यक्रम में भी अनुमोदन मिलना है। करते हुए वहां के और नाना बच्चे मेट्रो यहाँ की जाने ऑरेंज अनुसंधान लाइन का ये दूसरा फेज माननीय आज मुख्यमंत्री जी से लेकर आए हैं और अपना जल्द ही ये आग्रह मेट्रो करना सेवा शुरू चाहेंगे हो माननीय जाएगी मुख्यमंत्री जी से कि वे मध्य प्रदेश रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वर्चुअली दूसरे फेज इंदौर के लिए से आज रेल का सीएम डॉक्टर प्रमोशन मोहन करें, यादव वर्चुअली भूमि मध्य पूजन प्रदेश करेंगे और रेल उसके बाद ही काम कॉर्पोरेशन की लिमिटेड शुरुआत जिसकी होगी। शुरुआत मध्य लेकिन प्रदेश से यहाँ प्राप्त हुई है, तेजी से बढ़ते प्रदेश इस का कार्यक्रम में रेल देखिए परिवहन है मेट्रो और इसी का ये ब्रोशर लॉन्च करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की नई ऊंचाइयों पर हमारा मध्य प्रदेश निरंतर अग्रसर आगे बढ़ रहा है और हमारे इस विकास को तेजी प्रदान करने के लिए मेट्रो ट्रेन की सौगात हमें प्राप्त हुई है और इसी का ब्रोशर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। स्वच्छता हमारी सेवा है और स्वच्छता यात्रा संकल्प एवं प्रेरणा हेतु एक फिल्म तैयार की गई है जिसको प्रस्तुत किया जाएगा। भोपाल मेट्रो ऑरेंज लाइन दूसरा फेज सुभाष नगर से करोन तक तकरीबन 9 किलोमीटर। मैं मध्य प्रदेश हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ समर्थ और विकसित भारत के सपने को साकार करता सबसे प्रतिबद्ध और अग्रणी प्रदेश मैं। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री जी की दिखाई राह पर आगे बढ़कर आज प्रदेश का हर नागरिक स्वच्छता के इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और करोड़ करोड़ प्रदेशवासियों के सहयोग से मैंने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा और मैं हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और अब मैं ससम्मान आग्रह करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के ओजस्वी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। बोले भारत माता की। अरे बाप रे, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में और इतनी धीरे आवाज। मोदी जी को पता लगना चाहिए कि उनके स्वच्छ भारत के कार्यक्रम को सफल करने वाली टीम यहां बैठी हुई है, वहां तक आवाज पहुंचना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश के अंदर सफाई स्वच्छता में द्वितीय नंबर पर आया है और इंदौर लगातार 7वीं बार प्रथम में आया और भोपाल सेकंड आया। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय कंसाना जी, हमारे लखन भाई, विश्वास सारंग जी, हमारी प्रतिभा जी, नरेश पटेल जी, हमारी यहाँ पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू को बनाने का दम रखता है।
ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, यहाँ एक जीवंत संदेश होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। मध्य भारत। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह और मुरैना से शिवमंगल तोमर को टिकट। भोपाल से आलोक शर्मा, रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान और खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट। दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से वीडी शर्मा और ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा को बनाया गया उम्मीदवार। मंडला से फगन सिंह कुलस्ते, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता को दिया गया टिकट। रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडे को दिया गया टिकट। सरगुजा से चिंतामणि महाराज, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े और कोरबा से सरोज पांडे को दिया गया टिकट। तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम का किया ऐलान। गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह होंगे उम्मीदवार, तो लखनऊ से राजनाथ सिंह को दिया गया टिकट। राजस्थान के कोटा से ओम बिरला स्पीकर होंगे उम्मीदवार, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया टिकट। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को टिकट, नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिया गया टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट पर वीडी शर्मा का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में पार्टी सभी 29 सीटें जीतेगी। टिकट मिलने के बाद शिवराज परिवार में खुशी की लहर, पत्नी साधना सिंह ने उतारी शिवराज सिंह की आंखें। बीजेपी की पहली लिस्ट पर कार्यकर्ताओं में उत्साह, लिस्ट जारी होने के बाद जमकर की गई आतिशबाजी। बीजेपी की पहली लिस्ट पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर ढोल पर नाचे कार्यकर्ता, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बीजेपी नेताओं की लिस्ट जारी होने पर जगह जगह उम्मीदवारों के समर्थकों ने की आतिशबाजी। महासमुंद में गांजे पर बड़ी कार्रवाई, 8 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त, ओडिशा से महाराष्ट्र ले जा रहा था गांजा। दमोह में मरीज को एक्सवाट एम्बुलेंस नहीं मिली, सवारी ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे अस्पताल, 5 घंटे तक एम्बुलेंस का किया इंतजार। नरसिंहपुर में हाईवे पर हुआ हादसा, गर्भवती महिला और पति की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दमोह में खराब फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, फसल लहराकर मुआवजा दिए जाने की मांग की, जमकर की नारेबाजी। बैतूल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, लेजों की मान्यता रद्द होने पर हंगामा, नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। विदिशा में संदेश खाली को लेकर बीजेपी शाहजहांपुर में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा बस जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, रील देखने में समय बर्बाद कर रहे युवा। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। एमपी की बाकी 5 सीटों पर बीजेपी जल्द कर सकती है दूसरी लिस्ट जारी, 7 या 8 मार्च को हो सकता है ऐलान, छिंदवाड़ा सीट पर चौंका सकता है नाम। 8 या 9 मार्च तक आ सकती है कांग्रेस की पहली सूची, एमपी में 10 से 15 उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा, छत्तीसगढ़ में भी लगभग नाम तय। भोपाल में नए अफसरों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की नसीहत, कहा जब तक आप सही चलोगे कोई हटा नहीं सकता, शासन प्रशासन विक्रम बेताल की जोड़ी। रायपुर से अयोध्या रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी, 850 श्रद्धालु करेंगे रामलला के दर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात महाकाल मंदिर की, जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की है, वहां पर दिग्विजय सिंह भी साथ में मौजूद रहे, जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें न्याय यात्रा पर है राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा चल रही है और अब
वो न्याय यात्रा उज्जैन पहुंच चुकी है, जहां पर राहुल गांधी महाकाल के दरबार पहुंचे। राहुल भाई, ये महाकाल, महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उनके साथ दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। बता दें, चुनाव नजदीक है और महाकाल का आशीर्वाद लेने महाकाल की शरण में राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाबा के दरबार राहुल पहुंचे हैं, बाबा का आशीर्वाद उनके द्वारा लिया गया है। तो महाकाल मंदिर राहुल गांधी पहुंचे और दर्शन के बाद उनके रोड शो का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि इससे पहले वो शाजापुर में थे, उसके बाद अब उज्जैन पहुंचे हैं। उज्जैन में बाबा की नगरी में पहुंचे हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उसके बाद रोड शो होगा राहुल गांधी का, बेहद ही खास, चूंकि न्याय यात्रा की शुरुआत तो उन्होंने कर दी और मध्य प्रदेश में ये न्याय यात्रा पहुंची है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहुंची है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर भी राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन के बाद वो रोड शो करेंगे। उनके साथ कमलनाथ, अरुण यादव और कई नेता मौजूद हैं। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भूमि पूजन हो जाएगा, एक आध दो चार के सम्मान हो जाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में परमात्मा की दया से हमारे आधुनिक समय के अत्याधुनिक साधनों की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति भी हो रही, और साथ ही साथ कई सारे लोगों को जीवन का आज के बाद एक नया उनका सवेरा आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का, हमारे मंच पर मौजूद मंत्रीगणों का, एक तरह से हमारा अपना ये लघु कुंभ जैसा दिखाई दे रहा है। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्हें अभी अभी अपना भाषण समाप्त किया, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का। हमारे लोकप्रिय मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, आपका अभिनंदन है, आपका भी इस अवसर पर स्वागत है। राजस्व के बहुत सक्रिय मंत्री माननीय करण सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करण सिंह जी का। हमारे रघुनाथ कंसाना जी, जोरदार रघुनाथ जी कंसाना, जोरदार अभिनंदन करें कृषि मंत्री का। इस अवसर पर हमारे पशुपालन मंत्री लाखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन लाखन जी का। हमारे उद्योग मंत्री नरेंद्र जी, जोरदार नरेंद्र पटेल जी का अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे अपने माननीय विधायक, अरे हाँ, हमारी बहन जी रह गई, प्रतिभा बागरी जी का जोरदार अभिनंदन। प्रतिभा जी बहुत सक्रिय और जुझारू और युवा मंत्री हमारी। हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, अच्छा खर्चा वाली तो नहीं गए, ये थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो गया, ये यहाँ की हमारी अपनी लाखों में जीतने वाली जब विधानसभा है तो लाखों से जीतती है कृष्णा गौड़ जी, उनका भी वंदन अभिनंदन है। हमारी अपनी महापौर, यहाँ की लोकल और महापौर से सारे महापौर सबका अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ बजे, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मैं आज ये लाइन से देख रहा था कि अपने इस मंच के ऊपर जो सौगात मिलेगी, उन सौगातों का क्रम अगर अपन देखें तो जो हमारी अपनी विभिन्न प्रकार की राशियों का अंतरण नगरीय निकाय के माध्यम से होगा वो अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम लगभग राजस्व विभाग के 4,256 राजस्व विभाग से पटवारी, पहली पहली बार बच्चा हाथ खड़े करे कौन कौन पटवारी है, जोरदार ताजे से उसका अभिनंदन करे जो पटवारी आए, जोरदार ताजे बजाओ अपने हाथ के लिए भी, हाथ के बाद आपके हाथ में जो बड़ा काम किया। हम जानते कि आपका संघर्ष बड़ा था और आपका मुकाबला भी तगड़ा था, कई सारे कारणों के बाद भी आपने मजबूती से अपनी एग्जाम दिए, सरकार के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र देकर के एक नया विकास का रास्ता खोलने का प्रयास किया है। यहां हमारे अपने भाई बहन अगर परीक्षा दी है, कोई गलती है तो जांच कराएंगे, न्यायाधीश से जांच कराएंगे, कौन रोकता है, लेकिन केवल जांच के नाम पर लोगों को बेरोजगार का बना कर रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मंजूर नहीं है। ऐसी स्थिति धरती पे ये सरकार डरने वाली नहीं है, सरकार होती का ही नहीं,
गलत हो गया तो कंप्लेन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ, हमारी सरकार यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा कारगर कार्रवाई करने वाली सरकार है जो लगातार इस बात की चिंता करती है। इसी ऐसे बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, ये तो बड़ी बात है। छोटे से छोटे व्यक्ति के जीवन में भी, चाहे ड्राइवरी करने वाला एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति भी, लोगों के हिसाब से हो सकते हैं वो बड़े होंगे, लेकिन ड्राइवर भी हमारे यहाँ किसी के मदद का मोहताज नहीं, वो स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार रखता है। इसलिए उसके सम्मान का ध्यान रखना ये हमारी सरकार का निर्णय है। हर गरीब आदमी का जीवन आनंद के साथ बीते, लेकिन उससे बढ़कर स्वाभिमान के साथ जिए। ऐसी लज्जाजनक जीवन से तो जिंदगी बेकार। मैं इस बात को जोर करता हूँ, आज हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी का वो माइलस्टोन है जिनने कहा कि स्वच्छता के मामले में लाल किले के ऊपर तक आह्वान किया कि देश में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से ये लाखों लाख सफाई कर्मी, जिनके बारे में पता नहीं कितना लज्जाजनक ढंग से उनका व्यवहार होता था, अब कितना अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस अधिकारी हमारे स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। क्योंकि हम उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे? स्वच्छता से तो जीवन है, उनकी स्वच्छता नहीं होगी तो हमारे जीवन में क्या होगा? हमने नगरों का क्या हाल बना रखा था पहले, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया, आज पूरे दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो मध्य प्रदेश तो और उससे आगे गया। पूरे देश में महानगर पालिका में सबसे नंबर वन का तमगा किसी राज्य को मिला है तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। ये हम सबका सौभाग्य है। इंदौर ने वो प्रदान पाया है और मध्य प्रदेश पूरे देश का दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ प्रदेश के नाते से पहचाना जाता है। मैं आज के अवसर पर और भी अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग प्रकार की नियुक्तियां हैं, किसान कल्याण करण सिंह जी आपका विभाग की भी नियुक्तियां हैं, लगभग 1253 समझाना जी आपके लिए जोरदार अभिनंदन करो, 1253 कौन कौन है जरा हाथ खड़े करना, कृषि विभाग वाले अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजाओ, मालूम पड़ जाएगा। हाँ, हमारी सरकार रोजगार दे रही है। लोग कहते किसको रोजगार मिला, ये अपने यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है जहाँ हमको रोजगार मिला। हाँ, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पंचायत ग्रामीण विकास के आप यहाँ भी आए और प्रदेश से भी जुड़े, 635 जोरदार ताली बजाओ, 635 लोगों के लिए। पशुपालन और डेयरी विभाग 512 हमारे कर्मचारी अधिकारी गण, जोरदार अभिनंदन करो, 512 ये नए बंदियों मिले हमको मिले। आयुष विभाग के 106 आयुष विभाग है के भी अपने यहाँ जरा कोने ताली बजाओ, 106 लोग हमारे पास आज सभागार में मौजूद है। सब मिला करके श्रम, महिला बाल विकास, नगरी निकाय, समाज सामाजिक कल्याण, भोपाल देश क्रांति, दैनिक लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनजाति, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, जेल, सब मिलाकर के आज के इस कार्यक्रम में 8,833 अलग अलग लोगों को रोजगार मिला। जोरदार ताली बजाओ एक बार अपने हिसाब से खड़े होकर के सबके साथ अपनी महानुभूति से जोरदार तालियां बजाओ अपने हिसाब से खड़े होकर के। आज उनका जीवन नए दिवस से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हम उनके साथ हैं। आज के समय में किसी को रोजगार मिल जाए उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? हमारी सुभकामना उनके साथ में, हमारी अपनी भावना है। हर एक मन में शासक के आदेश छपरी मिल जाए, उनका जीवन समय हो जाए, उससे स्वाभाविक की बात क्या होगी? और इतने भी यहाँ एक और कार्यक्रम भी हुआ, मेट्रो रेल, ये बड़ा सपना होता था दूसरों का। आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकेंड ट्रेन का नया भूमिपूजन हुआ। जोरदार ताजा बजाय मेट्रो रेल के लिए
नगरीय विकास और उनके विकास कार्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रूपये सरकार के उनके खाते में डाले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय विकास के आधार पर जो हमारे काम चलने वाले हैं। आप अंदाज बना सकते हो 1,500 करोड़ के मेट्रो परियोजना के आज के उस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है। आज के अवसर पर मेट्रो भोपाल के कॉरिडोर में खासकर के जो हमारे लिए 17 किलोमीटर का और उनकी संख्या 15 किलोमीटर की वो जो नया सेक्टर बन रहा है आने वाले जाने वाले कई सारे लोगों के लिए मेट्रो रेल जब चालू होगी तो हमारे अपने सारे देश के ऊपर बनने वाला मेट्रो और इंजन का भार ये भी कम होगा। आवागमन में यातायात की समस्या से भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज के दौर में इस बात को मांग करता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं जितना आग्रहपूर्वक हमारे भोपाल इंदौर ऐसे शहरों के अंदर मेट्रो की बात मानते हुए राशि भी मंजूर की और आने वाले समय में ऐसे जबलपुर ग्वालियर इन शहरों के लिए भी हम मेट्रो रेल की चिंता देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा हमारे अपने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग प्रकार के उनके प्रसारण के सत्तर पुरस्कार पहले तो दिल्ली से पुरस्कार देगा लेकिन 70 पुरस्कार अभी यही मिलने वाले हैं। कोई पहले कल्पना करता था कि नगरीय निकाय के अंदर बड़ी संख्या में हमको पुरस्कार मिले बैठा भाई किसी का पेट के तो देगा तो रोते जाना रहेगा उनकी कोई भ्रम करता हमने अपने कार्यक्रम का आनंद लो कई लोग तो आपको रोजगार से बच्चे देख ही रहे थे ऐसे कैसे पेट के करोड़ों छुपे हैं लेकिन चिंता मत करो लगभग 9,000 करोड़ में हमने 8 रोजगार किया है और आने वाले 1 अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर उनके प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे अब अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। ये तो अच्छा हुआ विपक्षी पार्टी ने सारे प्रयत्न कर लिए कि हम आपको प्रमाण पत्र देते हैं तो 50 लोग आए तो पंजाब के 50 रोज में आंदोलन कर लें अपने आप समझ में आ गया लोगों को कि जनता उनके साथ में भी है तो जनता साथ में भी क्या होगी कैसे होगी। अरे आप घोषणा में एक काम करना कर दो उनको एक काम कर दो आप न्याय यात्रा के माध्यम से उनके जो महाकाल प्रबंधन में आ रहे और 500 साल का संकट था उनके
करना चाहिए तो जोरदार ताली बजा करके इस बात का समर्थन करो। भगवान राम अगर गर्भवन है मुस्कुराए तो किस बात के लिए मुस्कुराए? वो उन सबके मुंह पे तमाचा है जो भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश में लगभग 450 से ज्यादा नगरी निकाय के आधार पर मेरा भाषण सब लोग सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन आप सबके माध्यम से संकल्प कराना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विकास के काम इसी गति से चलाती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नंबर वन देश बने और मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर वन मध्य प्रदेश बने, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊर्जापूर्ण मार्गदर्शन के लिए। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कर्मचारी चयन मंडल में चयनित अभ्यर्थियों को वे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आपको बता दें 8837 सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे। राजस्व विभाग में ही श्री हितेश जुडवे आपको भी पटवारी पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। श्री सुमित कुमार द्विवेदी पटवारी। राजस्व विभाग में ही श्री निकिता मौर्य हमारे साथ मंच पर। श्री सुमित कुमार द्विवेदी आपको पटवारी पद पर पद आप ग्रहण करेंगे राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में ही सुश्री निकिता मौर्य आप भी पटवारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें सुश्री निकिता मौर्य। इसके बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में सुश्री चित्ररेखा वाहने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। मंच पर आमंत्रित करेंगे कुमारी प्रिया सिंह को और आप भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद को ग्रहण करेंगी। तालियां बजती रहना चाहिए, यह अनूठे पल है। कुमारी सोनल को अटनारे को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आप भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद को ग्रहण करेंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में पशुपालन एवं डेयरी में श्री दिव्यांश राजपूत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का पद ग्रहण करेंगे। कुमारी ममता सोलंकी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का पद ग्रहण करेंगी। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सुश्री शिवांगी सरेआम सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद ग्रहण करेंगी। सुश्री आरुषि बजाज सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद ग्रहण करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अभ्यर्थियों को उनके शुभ कर कमलों से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में कुमारी नूतन खरे राजस्व निरीक्षण का पद ग्रहण करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरस्कार के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगी, और जैसा कि हमको ज्ञात है कि ये महत्वपूर्ण पल है, अब शेष 8,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे शेष 8,500 से अधिक अभ्यर्थियों को रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्र वितरण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इन अभूतपूर्व पलों के हम साक्षी बने माननीय मुख्यमंत्री जी। शेष 8,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। Thank you.
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, 8837 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण एवं सिटी ब्यूटी कंपटीशन हेतु पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे पुरस्कार वितरण करें। राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार में इंदौर राष्ट्रीय स्तर में देश का लगातार 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 शहर रहा है। और इसी के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी महापौर महोदय श्री पीयूष मित्र भार्गव जी और उनकी टीम से कि वे पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। जोरदार तालियां हो जाएं इंदौर के लिए निरंतर 7वीं बार स्वच्छतम शहर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है इंदौर। और आज भी आज इस कार्यक्रम में पुरस्कार प्राप्त कर रहा है इंदौर राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के अंतर्गत इंदौर राष्ट्रीय स्तर में देश का लगातार 7वीं बार स्वच्छतम शहर। तालियां बजती रहना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस महायज्ञ में। यह आहुति बहुत महत्वपूर्ण है और इंदौर को पुरस्कृत किया जा रहा है। पूरी टीम हमारे साथ मंच पर है माननीय महापौर जी के साथ। राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के क्रम में भोपाल राष्ट्रीय स्तर में स्वच्छता में 5वां स्वच्छ शहर रहा है। और इसी पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ महापौर श्रीमती मालती राय जी और उनकी पूरी टीम को। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। भोपाल जो कि राष्ट्रीय स्तर में स्वच्छता में 5वां स्वच्छ शहर रहा है, जोरदार तालियों से पूरी भोपाल टीम का हम स्वागत करें। आप सभी की तालियां ऊर्जा प्रदान करती हैं, तो आप सभी से आग्रह है तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे साथ भोपाल की महापौर के साथ साथ पूरी टीम है पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। और इसी क्रम में राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के अंतर्गत नौरोजाबाद स्वच्छता में सबसे तेजी से आगे बढ़ता नंबर 1 शहर रहा है।